और हिस्ट्री आज तो मेरे जो मैंने कुछ केस देखा भी था, जैसे कि उसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक केस था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस आ रहा था, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरियम शो नहीं कर रहा था, और एक केस में ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो करता था जब चारों लिगेंड्स क्या हो डिफरेंट हो, ऑलरेडी देख रखे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरा केस आता था स्क्वायर प्लेनर का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, और जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, इसका भी मैंने एक पॉइंट देख रखा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, दैट इज प्लेनर है मॉलिक्यूल, कंपाउंड है, ओवरऑल प्लेनर है, तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पा रहा है अगर वहां पे, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो नहीं कर पाएगा। तो कोई भी अगर ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो कर, कम से कम उसका एक फॉर्म भी कम से कम ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, दैट मीन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो पाता, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ तो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, नो ऑप्टिकल आइसोमर। हम लोगों को जो देखना है यहाँ पे नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखना था इसका डिफरेंट डिफरेंट केस, अब देखने के अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आ रहा है इस केस स्क्वायर प्लेनर का केस में, एम एल वन ध्यान से देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था, एल वन एल टू एल थ्री एल फोर। अब यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है और ये स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, तो मैंने बताया था कल ही पिछले लेक्चर में, इसमें जब पोजिशन चेंज हो, जब एल वन एल टू अभी सेम साइड है और L2 को इधर ले आया जाए यहाँ पे L3 के पोजीशन पे, L2 L3 में एक्सचेंज करके, तो L1 L2 का डिस्टेंस D1, L1 L2 जब यहाँ पे L2 आ जाएगा डायगोनली तो उसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। पोजीशन चेंज होगा तो नया ओरिएंटेशन, नया अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखना इस केस में किसमें सोचते कैसे यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे अगर सीस और ये मेनली यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं एक ट्रांस पेयर बनाते हैं इस केस में, यहाँ पे ये एल वन एल टू एल थ्री एल फोर, यहाँ पे टोटल कितना पोजीशन आ रहा है, यहाँ पे 4 पोजीशन, और 4 पोजीशन अगर आ रहा है यहाँ पे तो किसी 4 पोजीशन पर किसी 2 लिगेंड्स को प्लेस करना है, इसको कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे है? बताओ जेई वाले लोग जो इसमें बता सकते हो कि 4 पोजीशन है एल वन एल टू एल थ्री, कोई 4 पोजीशन है और किसी 2 पोजीशन पे लिगेंड्स को प्लेस करना है, कितने तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन सा सेट होगा, वो ऐसा कुछ लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि 4 पोजीशन है सिलेक्ट करना यहाँ पे है तो क्या कर सकते हो, एल किसी वन दो एल थ्री एल फोर एल टू सही है तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 4C2। बताओ जे वाले जो लोग हो इसमें तो बता सकते हो 4C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 सही है इसमें, वो क्या आ जाएगा इसमें 6, इसका हम लोग कौन सा 6 पोजीशन रहेगा तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, एल वन एल टू, या मैं इसको चलो एल वन एल टू ना रख के मैं इसको सिंपली क्या करूँ 1 2 3, बाकी सेम ही है वो, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा दो दो का सेट लेना है, 1 2 2 3 3 4, और फिर क्या होगा यहाँ पे 1 4, और क्या सेट आ सकता है इसमें यहाँ पे 1 3 टू फोर और 2 4, ये टोटल 6 आ जाएगा यहाँ पे जब दो दो का कम्बिनेशन लेंगे यहाँ पे। अब देखने कि इसमें जो तुम्हारा फर्स्ट वाला ये आ रहा है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है 1 2, तो 1 2 पोजिशन पे आ रहा है, दैट मीन ये सेम साइड आ रहा है, तो 1 2 क्या बोले हम लोग सीस, 2 3 भी क्या आ रहा है यहाँ पे सीस, 3 4 भी क्या आ रहा है सीस, और 1 4 भी सेम साइड आया तो वो भी क्या होगा सीस वाला, जबकि नीचे वाला जो आ रहा है 1 3, तो 1 3 क्या आ रहा है डायगोनली आ रहा है अपोजिट आ रहा है, और
और 2-4 जो आ रहा है यहाँ पे, ये भी डायगोनली आ रहा है आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो 1-3 और 2-4 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांसपेयर, ट्रांसपेयर। यहाँ पे ये सी स्पेयर है ऊपर वाला, डेट मीन सेम साइड जो आ रहा था इसमें लिगेंड्स, उसको जब रखते हैं सेम साइड वाले को तो उसको सी स्पेयर, और ये ट्रांसपेयर, डेट मीन अपोजिटली जो लिगेंड्स प्लेस है यहाँ पे। अब इसमें एक पॉइंट आता है यहाँ पे है, तो इसका हम लोग क्या यूज करेंगे आगे वो देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जितने डिफरेंट ट्रांसपेयर बनता है उतना ही डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर पॉसिबल विल गिव द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखना है कि इसका डिफरेंट डिफरेंट केस देखने से पहले कुछ यहाँ पे टर्मोलॉजी यूज किया जाता है तो देखना है। तो कहीं भी अगर एक कॉम्प्लेक्स में लेते हैं, इसका पहला केस जो है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसपेयर हो जाए, देखेंगे एग्जाम्पल में कि ट्रांसपेयर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, और उससे कैसे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल पाता है। तो पहला केस अगर हम देखें यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखना है इसमें 4, दैट मींस MA4 इस टाइप को कॉम्प्लेक्स हो। यहाँ पे कहीं भी अगर इस टाइप से आ रहा है, स्मॉल में ABCDEF स्मॉल में आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वहां पे है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। और कहीं पे कैपिटल में AA लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ या फिर B और B स्टेप दिया हुआ यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, जहां कहीं भी AA लिखा रहे हैं या B और B, इसका मीनिंग होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स, और वो भी किस टाइप का, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अलग से नोट कर लो कहीं पे। और इसी में अगर ए बी या फिर सी डी टाइप का कुछ आ रहा हो, ए बी और सी डी, डेट मीन्स यहाँ पे ए का मतलब क्या था, वो बाइडेंटेड तो है बट वो सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी ए बी है, ये भी क्या है बाइडेंटेड लिगेंड्स है, बट वो क्या होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब देखने कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स का कोई एग्जांपल अगर बता सकते हो तो बताओ यहाँ पे, ए ए टाइप का कौन सा रहेगा यहाँ पे। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मैं नीचे बताता हूँ यहाँ पे। देखिए H2N CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर भी लोन पे इधर भी NH2 आ रहा है, इधर भी NH2 आ रहा है, ये क्या रहेगा सिमेट्रिकल। और इसको शॉर्ट में कौन सा लिगेंड सही है, EN सही है। तो EN जो होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो EN किस कैटेगरी के लिगेंड्स है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स का भी एक एग्जांपल में अगर बताऊं यहाँ पे, ये रहता है GLY, वो भी ले सकते हो, बाकी ये क्या रहेगा GLY, ग्लाइसिनेट या ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिन क्या आ जाता है यहाँ पे, H2N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये C डबल बॉन्ड O माइनस आ रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे डोनेटेबल होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ग्लाइसिन से बन रहा है, तो ग्लाइसिनेटो। ये जो आ रहा है GLY, ये किस कैटेगरी का होगा यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। बाकी और एग्जाम्पल में आएगा तो देखते रहेंगे, बट EN का तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इसको याद रखना कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है, बाइडेंटेड तो ही सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि इधर भी H2N इधर भी H2N आ रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिकल आ रहा है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है यहाँ पे, इसको अलग से नोट कर लोगे यहाँ पे। अब इसका पहला केस देखते हैं यहाँ पे हम लोग,
एम ए फोर, एम ए फोर लिखने का मतलब क्या है कि एम कोई सेंट्रल मेटल होगा और ए क्या आ रहा है यहाँ पे है, स्मॉल ए लिखने का मतलब क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और वही फोर टाइम्स आ रहा है, सेम टाइप का लिगेंड्स फोर टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखने की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा यहाँ पे, इसका कोई भी अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो यहाँ पे एम ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के इसमें देख रहे हम लोग यहाँ पे ए। अब इसमें किसी को भी चेंज करते हो यहाँ पे तो चारों लिगेंड सेम टाइप का है, इस ए को अगर ऊपर ले जाओगे और इस ए को नीचे लाओगे तो ऊपर भी ए ही रहा, दैट मीन्स इसके अलावा इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल अगर नहीं है यहाँ पे है, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। और ऑप्टिकल आइसोमर्स तो मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर फोर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं करेगा वो, ये ज्योमेट्रिकल भी नहीं आ रहा है और ऑप्टिकल तो रहता ही नहीं है। क्रॉस का मतलब क्या है, नो जी आई, इस केस का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। नेक्स्ट केस है इसमें सेकेंड में, यहाँ पे नोट भी कर लो तुम लोग, नेक्स्ट केस रहेगा इसी में। हाँ बताओ सर, यहाँ पे जो आपने 4C2 = 6 लिखा है, ये यहाँ पे ये C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अलग से तुम लोगों के लिए नहीं है, ये जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का नाम सुने होगे तुम लोग, अगर नहीं सुने इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो मैंने कौन सा 6 रहेगा तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर तुम लोग मेडिकल वाले लोग नहीं सुने, इसका नाम परमोटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, तो सी रिप्रेजेंट फॉर कॉम्बिनेशन, तो 4C2 एक फार्मूला रहता है उसी से ये निकलता है 6, जो कि 6 मैंने बता रखा है यहाँ पे, तुम लोगों को ये जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट केस था कि एम ए फोर टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इसी में एक को डिफरेंट कर दिया जाए यहाँ पे एम ए थ्री बी, नेक्स्ट क्या हो इसमें यहाँ पे सेकेंड केस इसी का एम ए थ्री बी टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स, इसमें सोचना है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, तो ट्रांसपेयर बना के चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर सिंपली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख पाएंगे यहाँ पे। चलो मैं ट्रांसपेयर बना के दिखाता हूँ, तो ट्रांसपेयर अगर बनाओगे यहाँ पे तो ट्रांसपेयर में यहाँ पे कौन सा सेट बनता है, तो ये दो सेट बनता है ट्रांसपेयर का यहाँ पे। यहाँ पे सी स्पेयर भी बना सकते थे, बट सी स्पेयर में मुझे 4 सेट बनाना होगा, जबकि इसमें 2 ही सेट रहता है, अपोजिट वाले को लिख लेना है वहां पे, और वो डिफरेंट अगर आ रहा है, जितना डिफरेंट ट्रांसपेयर बनेगा उतना ही डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। तो ट्रांसपेयर डिफरेंट चीज है, ये सीस ट्रांस नहीं है, तो ट्रांसपेयर अलग हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रांसपेयर जो रहेगा कितना सेट बनेगा उसका। यहाँ पे ट्रांसपेयर अगर बनाना चाहो एक को ए के अपोजिट रखो और एक को ए के अपोजिट में बी को रख देना यहाँ पे। इसके अलावा देखने कुछ और नया बन पा रहा है क्या, बी तो हमेशा एक है तो एक के साथ ही रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रांसफेयर नहीं बनेगा, या फिर स्ट्रक्चर से सोचते ए ए और ये क्या आ गया यहाँ पे बी। अब इसके अलावा इस ए के रेस्पेक्ट में ये बी क्या है सीज, अब बी को भी ऊपर ले जाते हैं वहां पे और इस ए को नीचे लाते हैं तो ऊपर भी तो सेम ही रहेगा वहां पे। इसमें जो ट्रांसफेयर बन रहा है इस ए के अपोजिट में ये ए आ रहा है और इस ए के अपोजिट में ये आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा ए ए और ए बी। अब कुछ लोग बोले वो सर बी को ऊपर ले जाएगा हम लोग यहाँ पे तो चेंज कर दें पोजिशन ए और यहाँ पे क्या हो बी और ये ए, तो अभी भी तुम्हारा ट्रांसफेयर क्या बनेगा ए और ये भी ए बी, ये दोनों सेम ही तो है यहाँ पे, कोई नया नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब हो, जब कम से कम एक से ज्यादा स्पेशल अरेंजमेंट हो, यहाँ पे तो एक ही बन पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा, नो जी आई। थर्ड केस है इसमें यहाँ पे ईस्टा को कोई कॉम्प्लेक्स हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट सा केस है इसमें,
एम ए टू बी टू। अब एम ए टू बी टू ट्रांसफेयर वाले कंसेप्ट से देखें हम लोग, इसका अगर ट्रांसफेयर बनाओगे इस केस में, सही है ये जी आई शो करेगा, देखना यहाँ पे है कि ये सही है जी आई शो कर पाएगा ये। इसमें ट्रांसफेयर के कंसेप्ट से देखो, यहाँ पे ट्रांसफेयर तो ए और ए को अपोजिट रखो और बी को अपोजिट रख सकते हैं यहाँ पे है। सही है, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए और बी को साथ में रख सकते हैं और ए और बी को साथ में रख सकते हैं, यहाँ पे एक ये डिफरेंट ट्रांसफेयर बनेगा। इस दोनों के अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अब ए को साथ में रख लिया और बी को साथ में रख लिया, ए बी आ गया। अब ए बी आ गया तो बी ए नहीं रखना यहाँ पे, वो सेम ही है वहां पे, इसमें दो ही ट्रांसफेयर है ये। दैट मीन्स इसमें क्या क्या केस आएगा, एम ए बी और बी, एक तो ये केस आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये एक ए और बी, यहाँ पे ए और बी ट्रांसफेयर आ रहा है और ए और बी ट्रांसफेयर आ रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, यहाँ पे ए ए बी और बी, तो ट्रांसफेयर डिफरेंट थिंग था। अब इस दो स्ट्रक्चर में देखना है कि इसमें से सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में देख सकते हैं जो कि सिमिलर है। ए और ए के रेस्पेक्ट में देखो कि ये सेम साइड आ रहा है, दैट मीन्स ये सिस फॉर्म, और यहाँ पे ए और ए अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे है ए और ए क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांस। तो जब दो फॉर्म आ रहा है, एक सिस और एक ट्रांस, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कर पा रहा है, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इसमें, टू। इस केस का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू। अब इसका एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी होता है इसी थर्ड केस का, यहाँ पे क्या हो पी टी एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू, इस पैटर्न पे आ रहा था। यहाँ पे पी टी क्या है, सेंट्रल मेटल आ रहा है ए टू, दैट मीन्स मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और सेम टाइप का दो, और दो फिर डिफरेंट टाइप का, तो एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू इसी पैटर्न पे आ रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हें आएगा वो ए टू बी टू नहीं लिखा रहेगा, वहां पे क्या होगा पी टी एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू, तो अमोनिया और क्लोरीन ये दोनों कैसे आ रहा है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, दैट मींस इसी केस पे आ रहा है यहाँ पे। इसमें भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाता तुम्हारा, टू, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मैं स्ट्रक्चर एक बना के दिखा दूं इस केस में, ये क्या हो पी टी एन एच थ्री, कौन सा दो केस आएगा यहाँ पे, एन एच थ्री सी एल सी एल, और एक यहाँ पे आ जाए पी टी एन एच थ्री सी एल, यहाँ पे अपोजिट कर देना एन एच थ्री को सी एल। अब यहाँ पे ये क्या आ गया सीस, एन एच थ्री के रेस्पेक्ट में देखो या सी एल के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एन एच थ्री के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, ये क्या होगा यहाँ पे सीस, और इसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है, कुछ लोग अगर बता सकते हो तो सिस प्लेटिन, सही है। ये क्या होता है यहाँ पे, सीस तो फॉर्म आ गया और इसका नेम क्या हो जाएगा प्लेटिन, सीस प्लेटिन, और इसका नेम क्या हो जाएगा ट्रांस प्लेटिन। अब जो सीस प्लेटिन है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट यूज भी होता है, क्या यूज होता है बताओ इसमें, बताओ फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सही है, इसमें यूज फॉर कैंसर थेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट, यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट या थेरेपी, जो वर्ड यूज करो इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ भी एग्जाम में, जो सीस प्लेटिन होता है वो उसका यूज किया, वो क्या कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर थेरेपी के लिए इसका यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर था, दैट मीन्स ये केस जो आ रहा था एम ए टू बी टू, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो। अब इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था सीस प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। ट्रांसप्लेटिन का बहुत ज्यादा वैसा कोई इम्पोर्टेंट यूज नहीं है, बट सीस प्लेटिन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज है, यूज इन कैंसर थेरेपी। नेक्स्ट केस है इसमें, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या जाता है टू, बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट था इसको याद रखना था, इसको नोट करो। फोर्थ केस देखते हैं यहाँ पे हम लोग, फोर्थ केस में यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे ए टू बी टू, अब यहाँ पे जो बी टू है वो भी अगर डिफरेंट हो जाए इस केस में, कर लियो यहाँ तक नोट डाउन सब लोग,
आगे बढ़ता हूँ इसमें, नेक्स्ट फोर्थ केस है इसमें, यहाँ पे एम ए टू बी सी इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो। ए टू बी सी लिखने का मतलब क्या है, ये तीनों मोनोडेंटर लिगेंड्स हैं, दो सेम टाइप का और फिर जो दो बाकी है वो दोनों डिफरेंट टाइप का, एम ए टू बी सी। इसके लिए भी अगर ट्रांसफेयर के कंसेप्ट से देखें हम लोग, ट्रांसफेयर कितना बन सकता है यहाँ पे, तो ट्रांसफेयर बनाने का मतलब क्या था, जो डायगोनली वाला था उसको बना रहे हैं यहाँ पे, ए और ए को अपोजिट रख लो यहाँ पे और बी और सी को अपोजिट। दूसरा केस क्या होगा इसमें, यहाँ पे ए के अपोजिट में बी को रख लो और ए के अपोजिट में सी को रख लो, और कुछ कर सकता है यहाँ पे क्या, ए के अपोजिट में सी भी आ गया और ए के अपोजिट में बी भी आ गया और बी के अपोजिट में सी और ए, यही दो डिफरेंट ट्रांसफेयर बनता है। इसके अलावा कुछ भी बनाने जाओगे तो रिपीट ही करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस केस में भी क्या रहेगा तुम्हारा, दो ही रहेगा यहाँ पे। कौन सा दो होगा, यहाँ पे खुद से देख भी सकते हो, ये जो मैंने ट्रांसफेयर लिखा है दैट मीन्स ए के अपोजिट एक रखोगे, ये ट्रांसफॉर्म के अपोजिट वाला सेट देख रहे हैं, और बी के अपोजिट फिर सी, एक ये केस आ गया। दूसरा क्या होगा, ए के अपोजिट में बी को रखना है और ए के अपोजिट में फिर सी को रखना है। अब यहाँ पे देखना है कि सी सर ट्रांस कौन सा है, तो यहाँ पे ए और ए जो सेम आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पे ये दोनों सेम सेट की सी फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसपेयर बिल्कुल डिफरेंट थिंग है सीस ट्रांस, ये सीस और ट्रांस तो जो सिंगल ग्रुप उसके एस्पेक्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या आ गया ट्रांस। इसका भी जो भी एग्जांपल है किसी पैटर्न पे अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट केस है इसमें यहाँ पे एम ए टू बी सी, सॉरी ये तो आई गया एम ए टू बी सी, नेक्स्ट है इसमें एम ए बी सी डी, चारों डिफरेंट हो जाएगा, एम सेंट्रल मेटल और चारों मोन डिफरेंट मोनोडेंटर लिगेंड्स प्रेजेंट हो यहाँ पे, इसमें कितना ट्रांसफेयर बनेगा, तो ट्रांसफेयर के कंसेप्ट से सोचो यहाँ पे पहले। तो ट्रांसफेयर में क्या कर सकते हैं, ए के अपोजिट में बी को रखो, सही है, देखते हैं कौन सा आ रहा है इसमें, थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लेते हैं, वो आ जाएगा थ्री ए बी, फिर क्या रखो इसमें सी और डी, फिर क्या करो यहाँ पे ए के अपोजिट में सी को रखो और फिर क्या होगा इसमें बी और डी, और ए के अपोजिट में किसको रखो यहाँ पे डी को, और बाकी क्या बच गया इसमें बी और सी। इसमें जो टोटल जो आएगा इसमें ट्रांसफेयर वो क्या रहा इसमें थ्री, दैट मीन्स इसके अलावा और कोई ट्रांसफेयर नहीं आएगा, दैट मीन्स ए के अपोजिट में बी को रख लिया, सी को रख लिया, डी को रख लिया, बाकी ये सब अपने आप एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टोटल ट्रांसफेयर आ रहा है थ्री, दैट मीन्स में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आएगा थ्री। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो खुद से ड्रॉ कर सकते हो, कि सेंट्रल मेटल एम है यहाँ पे और ए और बी को ट्रांसफेयर रखना था इस तरीके से, ए और बी ट्रांसफेयर आ गया, बाकी सी और डी ट्रांसपोजिशन थे, ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब क्या एंटी पोजिशन यहाँ पे रखा है, ये फर्स्ट वाले के लिए आ गया यहाँ पे, फिर ए और सी को अपोजिट रखना था यहाँ पे एम ए सी बी और डी, और फिर क्या करता है यहाँ पे एम ए और डी, बच गया तुम्हारा इसमें बी और सी, ये तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल आ रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इसमें, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थ्री। तो मोनोडेंटेट के केस में यही फाइव डिफरेंट केस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इसमें बाइडेंटेट वाला केस, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सेंट्रल मेटल से क्या अटैच है, ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड्स, अब बाइडेंटेड लिगेंड्स भी अटैच हो सकता है यहाँ पे है। तो नेक्स्ट रेडिंग डालना है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक केस दे रहे हैं देख रहे हैं स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में, बट वो बाइडेंटेड लिगेंड्स भी प्रेजेंट हो, तो फिर कैसे देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड्स में एक इंपॉर्टेंट केस ये रहता है इसमें, कि कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है, लेकिन कोई भी आ रहा था, अभी मैंने माना हुआ था ए और ए, कोई भी सेंट्रल मेटल को अगर अप्रोच करता है यहाँ पे बाइडेंटेड, तो ये कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे ए ए या बी और बी जो आ रहा था इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे मेटल के साथ कनेक्टेड। ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है ए और ए, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ है अभी,
यहाँ पे देखोगे ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइडेंटेड या ए बी। तो जो भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो हमेशा कितने डिग्री एंगल पे कनेक्ट होगा सेंट्रल मेटल के साथ, 90 डिग्री एंगल पे। ये एक याद रखना है कि कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हो चाहे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, वो सेंट्रल मेटल से हमेशा 90 डिग्री एंगल पे अटैच होगा। तो 90 डिग्री पे क्योंकि इसी में स्टेबल बन पाएगा। अगर यही 180 पे अगर होता है यहाँ पे, एक कैपिटल ए बेसिकली लिख लोगे इसको यहाँ पे और एक ए इधर होता है यहाँ पे, और इस टाइप से अगर कनेक्ट करता है यहाँ पे तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता था, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होगा यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल। दैट मीन्स 180 पे कभी भी बाइडेंटल लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। जब भी अप्रोच करेगा बाइडेंटल लिगेंड सेंट्रल मेटल को एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल पे अप्रोच करेगा। ये चीजें क्लियर हो गया यहाँ पे है। अब इसका भी डिफरेंट डिफरेंट केस देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नोट भी कर लोगे कि बाइडेंटेड लिगेंड्स ऑक्यूपाई सीस पोजीशन, 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या, ये हमेशा सीस पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पे। लिख भी देता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड्स ऑक्यूपाई सीस पोजिशन। और सीस पोजिशन बोलने का मतलब क्या है कि कनेक्ट टू सेंट्रल मेटल बाय 90 डिग्री एंगल। सीस पोजिशन का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल से ही वो कनेक्ट होगा हमेशा। चलो देखते हैं यहाँ तक तो नोट कर लो सिंपल सा है। अब इसमें अलग अलग केस रहेगा, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। पहला केस है इसमें एम ए ए ट्वाइस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे है कि ए ए ट्वाइस, दैट मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड से टू टाइम्स आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्क्वायर फिल्म का कॉम्प्लेक्स होगा इसमें। इसका देखना है कि यहाँ पे और भी कोई दूसरा अरेंजमेंट, एक तो ये स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे ए और ए हमेशा 90 डिग्री एंगल पे, और दूसरा जो ए और ए आ रहा है यहाँ पे, एक ये आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कोई दूसरा ओरिएंटेशन या दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या इस केस में यहाँ पे, वो सोचना यहाँ पे हम लोगों को। यहाँ पे अगर किसी को चेंज भी कर तो इस केस में यहाँ पे वो इस ए को ऊपर ले गए इस ए को नीचे लाए तो वो सेम ही रहेगा। तो इसमें कोई भी दूसरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं कर पाएगा। क्रॉस का मतलब क्या है सर, वाई सिमेट्री है। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो कुछ सर, वाइस अटक रही थी। ओके अभी तो आ रहा है, फिर अटक रहा है सर थोड़ा थोड़ा, अभी भी अटक रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर, चलो देखते हैं। कल भी इसी दोनों के कारण, क्योंकि इधर जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ वहाँ पे कुछ साइक्लोन यस का कुछ इफेक्ट है, इसके चलते कुछ नेटवर्क का बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आता है तो देख लोगे। अभी तो प्रॉपर आ रहा है। यस सर, चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रहेगा इस केस में, कोई भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, कोई नया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंपाउंड शो नहीं करेगा। इसी का सेकेंड केस है, यहाँ पे क्या आ जाए एम ए ए, एम ए ए, और इसका जबकि एम ए ट्वाइस था, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा पी टी ई एन ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज प्लस को लिख लोगे यहाँ पे, इसी टाइप का केस आ गया। ए टू का मतलब क्या था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स है, सिमेट्रिकल टाइप का है, एग्जाम में तुम्हें ये ऑप्शन में दिखेगा ना कि ए या ए बी, इस टाइप का नहीं रहेगा। तुम्हें गेस करना पड़ेगा किस पैटर्न का है, ई एन ट्वाइस है डेट में से, और इसका कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, डेट में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। एम ए ए और एक यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा ए टू, एम ए डेट में एक ही बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, और दूसरा फिर क्या आ जाए यहाँ पे है मोनोडेंटेड, ये इसको बी टू लिख सकते हो इस टाइप में, यहाँ पे ए टू लिखो स्मॉल में। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, फोर ही है। अब इसमें देखने कोई नया एक के अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है या नहीं है, एम
ए ए ये तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होना है, ए और ए। यहाँ पे जो ट्रांसपेयर वाला इस ए के अपोजिट ये ए और इस ए के अपोजिट में यहाँ पे ए आ रहा है। इसके अलावा देखना कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो इस ए को ऊपर ले जाओगे इस ए को नीचे ले आओगे वो तो सेम ही रहा, यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो नहीं कर पाएगा ये, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, नो जी आई। क्लियर है यहाँ पे है, क्लियरली देख सकते हो खुद से लिख करके देखोगे कि ये तो सर हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, बच गया ये, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करो तो सेम ही रहेगा वहां पे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड केस। अब यहाँ पे जो ए टू सेम टाइप का था इसको भी डिफरेंट कर लिया जाए यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एम। थर्ड केस एम ए ए और यहाँ पे ए बी आ जाए। अब इस केस में देखना है किस टाइप को कोई कॉम्प्लेक्स होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए क्या करोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ करो या ट्रांसपेयर से भी देख पाएंगे हम लोग एम ए ए और बी। यहाँ पे ट्रांसपेयर तुम्हारा क्या आ गया ए, इस ए के अपोजिट बी आ गया यहाँ पे, इस ए के अपोजिट ए से स्टार्ट करो ए ए। तो ट्रांसपेयर में ए और ए इसको यहाँ पे इस टाइप से दिखाने का मतलब क्या, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल से अटैच होना है। और ये दूसरा क्या बनेगा ए के अपोजिट बी। अब इस बी को ऊपर भी ले गए, अगर इस बी को ऊपर भी ले गए तो ये ए बी और ये ए नीचे आएगा तो ए ए, ए ट्रांसपेयर रहा। दैट मीन्स इसके अलावा यहाँ पर भी कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा तो कम से कम उसका दो फॉर्म तो एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे ये इसके अलावा कोई दूसरा ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। फोर्थ केस है इसमें एम ए बी ए टू, एम ए बी ए टू दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स, एक और दो मोनोडेंटल लिगेंड सेम टाइप का प्रेजेंट है। इसमें देखने की जी आई शो करेगा नहीं करेगा, इसमें भी क्या सोचोगे यहाँ पे एम ए बी ये हमेशा बाइडेंटल लिगेंड से 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होगा, बच गया ए और ए। अब क्या करोगे यहाँ पे है? अभी ट्रांसपेयर क्या आ रहा है तुम्हारा ए ए और ये बी और ए, ट्रांसपेयर जो आ रहा है तुम्हारा ए ए और ये क्या रहेगा तुम्हारा बी और ए। ए बी तो फिक्स है, इस ए बी को चेंज करोगे तो बी को ऊपर ले जाओगे और ए को नीचे ले आओ, और ए को तो चेंज करो कुछ नहीं होगा। अब इसमें अगर इस बी को ऊपर ले जाते हो और इस ए को नीचे और ये ए और ए देखोगे, इसको नोट नहीं करना यहाँ पे, अभी भी जो तुम्हारा ट्रांसपेयर बन रहा है वो ट्रांसपेयर तो जो पहले बना हुआ वही आ रहा है इसमें भी, इसमें भी इस ए के अपोजिट ए आ रहा है और इस बी के अपोजिट ए आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई दूसरा नया फॉर्म नहीं बन पा रहा है, ये पहले और ये जो बात का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया दोनों सेम ही है वहाँ पे, इसको नहीं लिखना था यहाँ पे है। यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिफ्थ केस है इसमें यहाँ पे है एम ए बी। अब ए टू के जगह ये क्या आ जाए यहाँ पे ए और बी आ जाए। अब इस केस में देखना है यहाँ पे कि डिफरेंट अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या करोगे एम ए बी, अब यहाँ पे ए हो और यहाँ पे बी आ जाए, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रांसपेयर बन रहा है सही है इसे, इसमें होगा दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाता है ट्रांसपेयर। इसमें देखोगे तो ये क्या रहेगा ए के अपोजिट में बी है पहले और बी के अपोजिट में क्या आ रहा है ए, और क्या कर सकता है यहाँ पे एम। अब ए बी को फिक्स रखो यहाँ पे है और यहाँ पे बी को ऊपर ले जाओ और ए को नीचे ले आओ यहाँ पे है। इसमें एक ट्रांसफेयर और भी पॉसिबल है, ए के अपोजिट में स्मॉल ए आ जाए यहाँ पे। सर वॉइस बहुत अड़क रहा है, वॉइस बहुत अड़क रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे फिर।
अभी कुछ आ रहा क्लियर? चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये क्या था, ए ए और बी और बी। यहाँ पे दो ट्रांसपेयर पॉसिबल है, दैट मीन दो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, दैट मीन इसमें जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा वो टू आ पाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो क्या आ जाता है, टू। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा कुछ भी और नया सोचोगे, इसमें कुछ भी चेंज करोगे, इस ए के अपोजिट में ए आ गया, बी के अपोजिट में बी आ गया यहाँ पे, इस ए के अपोजिट में बी आ गया और इस बी के अपोजिट में ए आ गया, इसके अलावा और भी कोई भी दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स में दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएगा। सिक्स्थ केस है यहाँ पे एम ए बी टू, इसमें सोच के बताओ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। ए बी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए बी सही है, इसमें कुछ लोगों का आ रहा है, इसमें ए बी क्या होगा, दो। यहाँ पे ए और बी को स्टैटर करते हैं, या फिर क्या करें इस केस में एम ए बी और किसी इस बी को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, बी और ए। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी अपोजिट आ रहा है ट्रांसपेयर और ए बी अपोजिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और ए अपोजिट आ रहा है और बी अपोजिट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी दो ट्रांसपेयर बन रहा है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ भी क्या होगा इस केस में, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस केस में भी क्या बनेगा, टू। नेक्स्ट केस है इसमें यहाँ पे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी एक को मैंने एक्सचेंज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज करो तो सेम ही आएगा फिर, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू रहेगा वहां पे। एम ए ए और ये क्या आ जाए, बी और बी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, फोर ही आ रहा है इस केस में। अब यहाँ पे देखना है कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा, तो इसमें क्या करो, ए और ए ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही रहेगा, सही है, इसमें जीरो आएगा इस केस में। और क्या करो इसमें, बी और बी, अब इसमें किसी को भी चेंज करो, इस बी को ऊपर ले जाओ, इस बी को नीचे ले आओगे, यहाँ पे वो तो बी रहा, इसको चेंज करोगे, कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, दैट मीन्स नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो जी आई। नेक्स्ट केस है इसमें एम ए और ये सिमेट्रिकल और बाद वाला क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसमें देखने की यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, एम ए ए तो फिक्स है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल पे, बच गया सी और डी, ये भी क्या होगा इस केस में, यहाँ सही है, इसमें भी क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पर सी डी है, अब सी डी में से डी को ऊपर ले जाओ और सी को नीचे ले आओगे यहाँ पे, अभी ए के अपोजिट में डी है और ए के अपोजिट में सी है, डी को ऊपर भी ले जाओगे सी को नीचे भी ले आओगे, तो अभी भी ए के अपोजिट में सी मिलेगा और ए के अपोजिट में डी मिलेगा, तो ट्रांसपेयर वही है, ट्रांसपेयर कुछ नया नहीं बन पाएगा इसमें, दैट मीन्स एक ही अरेंजमेंट है और एक ही अरेंजमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर पाता है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर है यहाँ पर भी है। और इसका एक लास्ट केस है, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ लास्ट केस इसका यहाँ पे, नाइन, वो क्या हो जाएगा इसमें, एम ए बी और सी डी टाइप का हो यहाँ पे, एम ए बी सी डी इस टाइप का कोई कम्प्लेक्स हो, दैट मीन्स दोनों क्या हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो। यहाँ पे ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा, एम ए बी और ये सी डी, ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे कनेक्ट होगा ये। अब इसके अलावा भी एक इसमें ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा, अभी ए के अपोजिट में क्या आ रहा है डी और बी के अपोजिट में क्या है सी, एक और ये अरेंजमेंट अगर ले लिया जाए, ए बी को फिक्स रखो यहाँ पे और डी को ऊपर ले जाए और सी को नीचे ले आए यहाँ पे,
यहाँ पे ए के अपोजिट में डी, लेकिन यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या आ रहा है सी, दैट मीन्स नया अरेंजमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। सही आ रहा है सब लोगों का, चार पांच लोग आंसर दे पा रहे हो इसमें, जी आई पॉसिबल होगा और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो यहाँ पर भी होगा वो क्या रहेगा, दो ही रहेगा, इसके अलावा कोई तीसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। सी डी है, डी को चेंज करके ऊपर ले गए, सी को नीचे लाए, या फिर इसको फिक्स रखते हैं, सी डी को फिक्स करते हैं, ए बी को चेंज करते हैं, वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे दो ही ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या लिख लेते हैं इस केस में, टू, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। क्लियर है यहाँ पे है। तो स्क्वायर पिनल कॉम्प्लेक्स में मोनो डेंटेट और बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट में जितना भी डिफरेंट केस पॉसिबल हो सकता है सारा केस मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है। ये स्क्वायर पैनल का, स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स में जो भी हिस्ट्री आइसोमेरिज्म पॉसिबल था उसका सारा मैंने यहाँ पे प्रोड्यूटी देखा है, तो जो भी क्वेश्चन आता था कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, और वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स का मतलब उसमें एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। उस पार्ट को और ध्यान से समझोगे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगे सब लोग, आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, अब यहां पे देखने के ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें होता है क्या है कि एम, इसमें क्या होगा इस केस में, इसमें कहीं से भी दिखाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब यहां पे क्या आ रहा है इस टाइप से। अब यहाँ पे सोचना था कि ये जो वन और फोर है तो एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड और एक डाउनवर्ड आ रहा है इसमें, और ये बाकी एक प्लेन में आ रहा है इसमें। अब इसमें भी हम लोग देखें अरेंजमेंट, इसमें यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल साथ में देख पाएंगे एक साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि टोटल कितना पोजिशन आ रहा है यहाँ पे, सिक्स, सिक्स लिगेंड्स हो सकता है यहाँ पे, है वन टू थ्री फोर का मतलब क्या, ये एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव एल सिक्स। अब यहाँ पे जो आ रहा है इस केस में टोटल सिक्स पोजीशन है और दो लिगेंड्स को एक साथ प्लेस करना है, तो दोनों को सेम साइड रखेंगे तो सीस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है जो अपोजिट रखेंगे। इसमें टोटल सिक्स पोजीशन है और दो लिगेंड्स को प्लेस करना है, इसमें तरीका कितना हो सकता है यहाँ पे, सिक्स सी टू, बाकी मैथ्स वाले लोग बताओ इसमें कैलकुलेट करके कितना आ रहा है यहाँ पे, सिक्स सी टू का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, बताओ कोई एक बताओ इसमें, चलो सही आ रहा है, नहीं सेवन तो नहीं है, सिक्स सी टू का वैल्यू सिक्स सी टू का वैल्यू क्या होगा बताओ, कोई जेई वाले लोग बताओ इसमें, 15, 15 सही है। ये बाकी जो मेडिकल वाले लोगों को जरूरत ही नहीं है इस चीजों का कि परमोटेशन कमी है पाने का, तो वो क्या रहेगा इसमें 15, इसमें 15 पेयर बन सकता है। 15 पेयर कैसे बनाओगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 6 1 3 इस टाइप से बहुत सारा डिफरेंट पेयर बनेगा, बट मुझे यहाँ पर भी मतलब किससे, ट्रांस पेयर से। यहाँ पे ट्रांस पेयर जो बनेगा वो कौन कौन सा होगा, तो ट्रांस पेयर बोलने का मतलब क्या, जो अपोजिट आ रहा है 180 पे, ट्रांस मतलब क्या अपोजिट 180, तो 180 पे कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 1 4 2 5 एंड 3 6, तो ट्रांस पेयर जो बनेगा वो क्या होगा, यही तीन आएगा, बाकी सी स्पेयर होगा।
तो यहाँ पे ये जो कोई ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें ट्रांसपेयर का जब सेट बनाएंगे तो पीछे जो हम लोग सेट बना रहे थे वो दो दो का सेट आता था, इसमें एक सेट और आ जाएगा, तीन का सेट बनेगा। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे सेम पॉइंट जो हम लोग पीछे लिखे हुए थे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर पॉसिबल, ट्रांसपेयर पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर पॉसिबल विल गिव द विल गिव द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी फिर स्टार्ट करेंगे केस। इफ द ट्रांसपेयर हैव If the transpair have the following arrangement, then the isomer will be optically active. Sorry, the transfer has the following arrangement, then the isomer will be optically inactive because it will have plane of symmetry, POS, plane of symmetry. अब इसका स्टेटमेंट, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें यहाँ पे। तो फॉलोइंग जो अरेंजमेंट है वो कौन सा अरेंजमेंट हो ट्रांसपेयर का, तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा हो। ए ए पहला जो सेट है उसमें क्या आ जाए, सेम टाइप का ए और ए, बाकी का जो दो सेट है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तीन सेट बन रहा था यहाँ पे ट्रांसपेयर का, एक सेट में ए ए आ जाए और बाकी के दो सेट में जो भी रहे उससे मतलब नहीं है। ये पहला सेट आ गया, दूसरा सेट जो रहेगा इसमें यहाँ पे ए बी, ए बी इस टाइप का, अगर ए बी आ रहा है तो तीसरे सेट से कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें मान लो कि ए ए ए क्या है, ट्रांसपेयर आ रहा है, ये हम क्या लिख रहे हैं, ट्रांसपेयर, दैट मीन्स 180 पे जो लिगेंड्स आ रहा है 14 25 36, तो 180 वाला दैट मीन्स ट्रांसपेयर लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो, ए टाइप इस टाइप का कोई अरेंजमेंट अगर आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों ऐसा होता है यहाँ पे है, इसका पॉइंट देखोगे यहाँ पे एम एम, ए और ए को अपोजिट रखना है, तो ए और ए दैट मीन्स 1 और 4, ए और ए को यहाँ पे अपोजिट रख लो। बाकी यहाँ पे अब कुछ भी आ रहा हो इस केस में, मान लो कि कोई भी लिगेंड आ रहा हो, L1 L2 रखा जा रहा है यहाँ पे, L3, और ये चारों मान लो डिफरेंट भी हो, L1 L2 L3 L4 डिफरेंट भी हो। अब इसमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पे, और है तो किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सोच के बताओ, कोई बता सकते हो यहाँ पे? तो अलोंग द प्लेन, सही है बिल्कुल। ये क्या करोगे यहाँ पे, जिस प्लेन में मेटल, सेंट्रल मेटल L1 L2 L3 L4 है उसी प्लेन को कट करोगे अगर वहां पे, दैट मीन्स अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन कट करते हो मॉलिक्यूल को, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और एक ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड और इसके जस्ट नीचे डाउनवर्ड एक ए और आएगा, तो ऊपर वाले ए का मिरर इमेज ये आ जाएगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और वो किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है यहाँ पे, अलोंग द प्लेन। और अलोंग द प्लेन जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये किसके कारण हो रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों सिमिलर होने के कारण, ए और ए जो ट्रांसफेयर आ रहा था, बाकी ये L1 L2 L3 L4 सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये। अब इससे इस टाइप का कोई अरेंजमेंट हो, इस टाइप का कोई ट्रांसफेयर बन रहा, तो इसमें कैसे सोचोगे एम, अब यहाँ पे सोचना था M आ रहा हो,
ए बी, और यहाँ पर भी ए और बी को अपडेट रखो यहाँ पे इस केस में ए बी ए बी। अब मान लो कि जो पॉइंट दो बचा हुआ था उसमें वो दोनों डिफरेंट भी क्यों ना हो, मान लो कि ये L1 हो और ये क्या हो यहाँ पे L2 हो, इसमें देखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ रहा है तो किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, इसमें कैसे चेक करेंगे। L1 M L2, सही है बिल्कुल। यहाँ पे कि L1 M L2 को, L1 क्या आ रहा है परपेंडिकुलरली अपवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड है, और L2 डाउनवर्ड मेटल प्लेन में, और ये दोनों ए और दोनों बी भी प्लेन में आ रहा है यहाँ पे। ये क्या करोगे इस केस में, ये तो स्क्वायर आ रहा था और बाय पिरामिडल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। अब जो इसमें जो प्लेन मानते हुए कट करोगे इसमें, तो कैसे किसको प्लेन मानोगे, L1 मेटल और L2 को प्लेन मानते हुए इस टाइप से कट कर दोगे। यहाँ पे मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअल में कैसे सोचना है यहाँ पे, इस मेटल के जस्ट अपवर्ड L1 है और इसके जस्ट नीचे L2 है यहाँ पे, और L1 ऊपर से कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ और भी क्लियर होगा, यहाँ पे कट परपेंडिकुलरली, और किसको परपेंडिकुलर कट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स L1 M L2 को प्लेन मानते हुए कट करेंगे, L1 को ऊपर से कट कर रहे हैं, जबकि L1 मेटल और L2 कट हो जाए आप, और इस A का मिरर इमेज तुम्हें इधर दिखेगा और इस B का मिरर इमेज इधर दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। ये क्या होगा परपेंडिकुलर कट करोगे, जिसके चलते यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है यहाँ पे। आगे जब हम लोग केस पढ़ेंगे ना, जो डिफरेंट डिफरेंट केस होगा उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। इसको मैं फर्स्ट पॉइंट अगर बोल लूँ यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, अब जो फर्स्ट पॉइंट में वो देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपेयर पॉसिबल विल गिव द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, तुम वो एरो लगा करके सेकंड पॉइंट अगर पहले लिख लिए तो थर्ड पॉइंट में इस टाइप से एरो लगा करके टू के नीचे भी जा करके जो थर्ड पॉइंट है वो ए से रिलेटेड आता है, इसके लिए कुछ कंडीशन भी होता है फर्स्ट पॉइंट के लिए ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में। हाउएवर However, this concept is valid only. If all the ligands present. If all the ligands present are monodentate and कुछ नोट के मैं ऊपर लिख देता हूँ and four monodentate प्लस वन बाइडेंटेड, मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे फिर से ध्यान देखोगे, इसमें फोर मोनोडेंटेड प्लस वन बाइडेंटेड, इतने के लिए सारे लिगेंड्स क्या आ रहा है मोनोडेंटेड आ रहा है, या फिर फोर मोनोडेंटेड और वन बाइडेंटेड हो तो उसके लिए ये पॉइंट वैलिड रहता है यहाँ पे, बाकी फिर नॉर्मल तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे यहाँ पे। चलो हम लोग केस स्टार्ट करते हैं इसका, डिफरेंट डिफरेंट केस। ये दो अरेंजमेंट हमेशा याद रखना है यहाँ पे, इस टाइप अगर ट्रांसफर बन रहा है तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, और वहां पे मैं दोबारा फिर एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोनों को एक्सपेंड किया हुआ है कि इस टाइप का अरेंजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। लास्ट पॉइंट क्या था, हाउएवर दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली इफ द लिगेंड्स प्रेजेंट आर मोनोडेंटेड, या फिर क्या हो फोर मोनोडेंटेड प्लस वन बाइडेंटेड हो तो फिर ये पॉइंट वैलिड रहता है यहाँ पर।
फर्स्ट केस है इसमें यहाँ पे एम ए सिक्स टाइप का, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें यहाँ पे फर्स्ट केस एम ए सिक्स। अब यहाँ पे देखना कि एम ए सिक्स का मतलब क्या है, ए स्मॉल ए दैट मीन मोनोडेंटेड और वो सेम टाइप का आ रहा है। इसमें अगर ट्रांसपेयर कुछ बना होगा यहाँ पे है, तो ट्रांसपेयर क्या बनेगा ए ए सब ए है यहाँ पे, दैट मीन इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। एंड ए ए टाइप का आ गया, दैट मीन्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा, दैट मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, को ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं होगा इस केस का। सेकेंड केस एम ए फाइव डी, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो, दैट मीन्स फाइव सेम टाइप का मोनोडेंटल लिगेंड्स हो और एक डिफरेंट टाइप का हो, इसका भी अगर ट्रांसपेयर बना होगा यहाँ पे, वो क्या आएगा तुम्हारा ए ए ए ए और ए बी। अब इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं ट्रांसपेयर में, बी के अपोजिट पांचों ए ही है, ए ही आएगा बी के अपोजिट, इसके अलावा यहाँ पर भी कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स नो जी आई एंड नो आई, नो ओ आई, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं आएगा ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थर्ड केस है, इंपॉर्टेंट केस होगा यहाँ पे एम ए फोर बी टू। पहले ट्रांसफेयर के कंसेप्ट से सोचें यहाँ पे कि कितने ट्रांसफेयर बन सकता है यहाँ पे, ट्रांसफेयर बनाने के लिए यहाँ पे ए और ए को साथ में रखो, ए ए और यहाँ पे बी और बी, और क्या बन सकता है यहाँ पे है ए ए को साथ में ए बी और ए बी, इसके अलावा और कोई ट्रांसफेयर पॉसिबल है क्या यहाँ पे, दोनों बी को साथ में रख लिया और दोनों बी को अलग अलग ए के साथ रख लिया, अब कुछ भी नया करोगे इसमें तो फिर रिपीट ही करेगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ट्रांसफेयर क्या आ रहा है इसमें दो ही आ रहा है, और नंबर ऑफ ट्रांसफेयर दो ही आ रहा है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये दो ही आ जाएगा इस केस में यहाँ पे। और कौन कौन सा दो रहेगा तो ड्रॉ भी कर सकते हो, इस केस में ड्रॉ कर देता हूँ इस केस में एम ए ए ए, यहाँ पे ए ए ट्रांसपेयर अपोजिट ए अपोजिट, बच गया क्या इसमें बी और बी, बी और बी को अपोजिट दिखा दो यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे ए और ए अपोजिट है, फिर बच गया ए और बी अपोजिट और फिर ए और बी अपोजिट यहाँ पे, इस टाइप से दिखा दो या फिर इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, जो कि बाकी इसमें जो सिक्स पोजिशन वो सब क्या आ रहा है इक्विवेलेंट ही आ रहा है वहां पे, और जब इक्विवेलेंट है उस केस में वहां पे है ए और ए को बी को अपोजिट दिखाना यहाँ पे ए बी और इस ए और ए को अपोजिट दिखा दो यहाँ पे, ये ट्रांसफेयर इसका स्ट्रक्चर आ गया ए ए अपोजिट ए बी ए बी। अब यहाँ पे देखने की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो टू आ गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई होगा या नहीं होगा इसमें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा इसमें, ये दोनों सही है बताओ इसमें सब लोग, ऑप्टिकल एक्टिव कोई दोनों में से कोई होगा या नहीं होगा इस दोनों स्ट्रक्चर में से, यहाँ पर भी ए टाइप अरेंजमेंट आ रहा है और यहाँ पर भी ए टाइप अरेंजमेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा सही है इसमें, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा जीरो, तो नो ओ आई नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहा है यहाँ पे। इसका ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ट्रांसफेयर में ये अगर आ जाए कहीं पर भी तो क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली नेगेटिव। अब इसमें देखना यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो कि जनरली आता है एग्जाम में, जेई का हुआ अभी क्वेश्चन है 2015-16 में, मेनली केस देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा हर एक ईयर चेंज होते रहता है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे ए बी के पैटर्न पर याद रखना है कि क्या क्या पॉपुलरिटी है वहाँ पे एच टू ओ और ओ एच ट्वाइस, ओ एच ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ रहा है
फोर मोनोडेंटेड सेम टाइप का और दो मोनोडेंटेड सेम टाइप का आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिख लो भाई, एफ थ्री एन एच थ्री फोर सी एन टू, ये भी उसी टाइप का आ रहा है यहाँ पे, माइनस वन चार्ज। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर क्या था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू। नेक्स्ट केस है इसमें फोर्थ केस, एम ए फोर बी सी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखोगे, इसमें हम लोग आते हैं अभी। अब यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर आ रहा था, इसमें सीस और ट्रांस कौन सा, अगर इसको फर्स्ट बोलूं फिर अगर इसको सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड में सीस कौन सा यहाँ पे और ट्रांस कौन सा है। तो यहाँ पे बी और बी सेम टाइप, सेम साइड आ रहा है बी और बी, बी और बी सेम साइड, तो ये क्या बोलेंगे लोग यहाँ पे इसको सीस, और यहाँ पे बी और बी अपोजिट आ गया, बाकी ए और ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे, तो बी और बी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, बी और बी सेम साइड तो सी, और बी अपोजिट तो ये ट्रांस, दो फॉर्म आ रहा है सीस एंड ट्रांस। ट्रांस पेयर तो अलग चीज है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितना आएगा यहाँ पे। तो ट्रांस पेयर से सोचो, ए और ए आ गया यहाँ पे, सही है जी आई टू आ जाएगा यहाँ पे। बी और सी को साथ में रखो, और क्या कर सकते हो इसमें, ए और ए को साथ में रखो, ए के साथ बी और ए के साथ सी, यहाँ पर भी यही दो काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे जो रखोगे इस केस में ए ए ए बी और ए सी, अब कुछ भी अगर चेंज कर दो सेम आई देखें, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या रहेगा इस केस में टू। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं करा, सिंपली ट्रांसपेयर से, बाकी ड्रॉ करना चाहो तो सेंट्रल मेटल रखो, ए के अपोजिट ए दूसरा रखो, ए के अपोजिट ए दिखा दो और बी के अपोजिट सी, और यहाँ पर भी ए के अपोजिट ए, ए के अपोजिट में बी और ए के अपोजिट में सी, तीन ही ट्रांसपेयर पॉसिबल है, मतलब तीन सेट रहेगा इस केस में यहाँ पे, ट्रांसपेयर तो दो ही तीन सेट बनता है यहाँ पे। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कोई होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करें हम लोग, अगर अलग से स्ट्रक्चर नहीं भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे ए और ए आ गया, दैट मीन बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा प्लेनर सिमेट्री ला देगा इसके कारण, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दैट मीन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जीरो, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा यहाँ पे। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है सी ओ, बाकी एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम में, H2O plus 2, ये क्या आ जाएगा इस केस में, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2। नेक्स्ट केस है इसमें MA3B3, इसमें वही सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, वो बताना है यहाँ पर। यहाँ पर भी ट्रांसपेयर से भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपेयर से देखोगे इसमें ए और ए को अपोजिट रखो, फिर ए और बी, और फिर क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पे बी और बी, सही है, इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा इसका भी, और क्या कर लोगे अल्टरनेट, दैट मीन्स ए बी ए बी ए बी, इसके अलावा और कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पे, क्या ए के साथ ए बी और बी अपोजिट में आ गया, ए और ए अपोजिट में, और ए और बी अपोजिट, यहाँ पे ए बी ए बी ए बी इस टाइप का आ गया इस केस में। अब देखोगे इस केस में यहाँ पे उस पार्ट को इरेज करो यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो वो देखेंगे अभी हम लोग। एग्जाम्पल को मैं हटाता हूँ यहाँ पे सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, एम ए बी और यहाँ पर भी क्या हो ए और बी, ये कौन सा केस आ गया, ये वाला आ गया ट्रांसपेयर ए बी ए बी। अब यहाँ पे सोचना था इस केस में
यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ये जो आता है यहाँ पे है, कुछ याद आ रहा हो ऐसा कुछ पढ़े हो इस आइसोमर को, कौन सा आइसोमर बोलते हैं वो, यहाँ पे एक फेस टाइप एक फेस क्रिएट कर रहा होता है ये। सही है बिल्कुल यहाँ पे है। इस केस में क्या रहेगा, इसको हम बोलते हैं फेसियल आइसोमर या शॉर्ट में फेक आइसोमर, क्योंकि एक ये फेस बना रहा होता है इस टाइप में, ए ए ए तीनों सेम साइड आ रहा है यहाँ पे। ये कह रहा था इसमें फेसियल आइसोमर या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं एफ ए सी फेक आइसोमर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें जो पहला वाला ट्रांसपेयर था दैट मीन्स एक के अपोजिट ए को दिखाओ यहाँ पे, एक के अपोजिट बी को और यहाँ पर बी के अपोजिट बी को। अब क्या करोगे यहाँ पे है, ये एक फेस क्रिएट नहीं कर पाता यहाँ पे, इसमें कुछ इस टाइप का बनता है यहाँ पे, और इसको क्या नाम देता है इस केस में। सही है इसमें बता रहे हो, इसमें मेरिडोनियल या शॉर्ट में मर आइसोमर, तो क्या बोलते हैं मेरिडोनियल या एम ई आर मर आइसोमर। तो मेरिडोनियल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं मर। ये एम ए थ्री बी थ्री अभी एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें फेसियल आइसोमर फेक आइसोमर या मेरिडोनियल मर आइसोमर बन पाता है, इसमें जो तीनों ये एक साइड आ रहा है फेस क्रिएट कर रहा है दैट मींस फेसियल आइसोमर और एक ये मेरिडोनियल। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि दो ही ट्रांसफेयर आ रहा था दैट मीन्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा इसमें, दो। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा इसमें, टू। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, इस दोनों में से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो सोचना है तुम लोगों को। तो पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है यहाँ पे है, क्योंकि इसमें ए टाइप का आ गया इसमें। सेकेंड वाला देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैंने दो कंडीशन बताया था, सही है इसमें मैंने दो पेयर बताया हुआ था पीछे कि ए बी टाइप का भी अगर आ रहा हो ए बी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देता है यहाँ पे, वही तो आ रहा है यहाँ पे ए बी थर्ड वाले को देखने की जरूरत भी नहीं है, ये ए बी टाइप का आ रहा है दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन्स कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं आएगा यहाँ पे, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स नो ओ आई। ये क्लियरली तुम लिखोगे जगह होगा तुम लोगों का नीचे नीचे लिख पाओगे। इस टाइप का केस हो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा जीरो, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा वहां पर। क्लियर है यहाँ पे है, और कैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। नेक्स्ट केस है इसमें ये डायरेक्टली शॉर्ट में भी लिख दिया जाता है यहाँ पे एफ एस सी एक आइसोमर या फिर एम ई आर मर आइसोमर, ये दोनों अगर वर्ड यूज किया जाए दैट मीन्स ये केस ध्यान में आना चाहिए एम ए थ्री बी थ्री वाला। नेक्स्ट है इसमें यहां तक नोट कर लियोगे सब लोग, आगे देखते हैं तुम यहाँ पे। अब इसमें क्या करें ए थ्री और बी थ्री जो सेम टाइप कर रहा था इसको एक को डिफरेंट कर दें यहाँ पर, दैट मीन्स एम ए थ्री बी टू सी, जो भी नंबरिंग है देख लोगे वहां पे सिक्स या फाइव एम ए थ्री बी टू सी। अब यहाँ पर भी ट्रांसफर के कंसेप्ट से पहले सोचेंगे हम यहाँ पे, तो ट्रांसफर में क्या कर पाएंगे ए ए ए बी और ये क्या कर लोगे इसमें बी और सी, और ट्रांसफेयर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे है ए ए को साथ में रखो, अभी ए ए ए के साथ सी को ले लो यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा फिर बी और सी बी और बी आ जाता है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, सही है इसमें थ्री आएगा, इसमें क्या कर सकते हैं ए बी और ए सी, एक ये भी तो आएगा यहाँ पे है,
ए बी ए बी ए सी, तीन ए था और दो बी और एक सी, तीन ए आ रहा है, दो बी आ रहा और एक सी, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या ट्रांसपेयर में? ए ए साथ में रख ली, ए बी बी सी, ए को साथ में रखते हुए ए सी बी और बी, ए बी ए सी, यही तीन डिफरेंट अरेंजमेंट बन पाता है यहाँ पे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा इस केस में? थ्री। ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई रहेगा या नहीं रहेगा इसमें बताओ, ये सोच के बताओ। ऑप्टिकल आइसोमर दैट मींस तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा इस तीनों ट्रांसपेयर में से? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, बाकी दो को देख, ए जब आ गया बाकी दो को सोचने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें क्या आ गया ए बी ए बी, तीनों ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मींस नो ऑप्टिकल आइसोमर, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा यहाँ पर। एक लास्ट केस और देख लोगे फिर बाकी में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें। एम ए थ्री बी सी डी, इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तीनों कैलकुलेट करके बताना। तो ट्रांसपेयर के हेल्प से बनाओ यहाँ पे तुम लोग। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले बता दो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है यहाँ पर? फोर। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी गेस कर लो पहले, और फिर स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ रहा है वो भी बताओ इसमें। तो ट्रांसपेयर बनाओगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आसान हो जाएगा फिर यहाँ पर। देखो बाकी हम लोग आज अगर कल लेक्चर होता है एमआर का, मतलब तुम लोगों का होता है अगर, तुम कुछ आज डिस्कस कर पाते ज्योमेट्री को करने के बाद, बट फिर भी अगर कल टेस्ट है डिस्कशन नहीं भी हो पाए क्योंकि इवनिंग में भी मेरा दो दो लेक्चर है, आज तो फिर पॉसिबल ही नहीं डिस्कशन। तो क्वाड्रेंशियल कंपाउंड से क्वेश्चन अगर आता है टेस्ट में तो बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, दैट मीन्स थ्योरी पढ़ के जाओगे तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखोगे चैतन्या के तीन ही ज्योमेट्री, चैतन्या के दो ही तीन आ रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और तो सोचना यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तीन तो नहीं होगा, एक और ज्यादा रहेगा वहां पे सोचने उस केस में। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ सोचने का तरीका क्या है, स्टार्ट कैसे करोगे यहाँ पे। ए ए ए बी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर लो वहां पे, सी और डी। अब क्या करो, ए और ए को साथ में रखो, ए सी बी और डी, अभी भी ए और ए को साथ में रखो यहाँ पे, और वो क्या करो ए डी बी और सी। अब क्या करो इसमें, अब ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ डी आ गया, बाकी एक तो मैंने फिक्स कर रखा है। अब क्या होगा यहाँ पे, ए बी, अब सबको अलग अलग करना होगा, ए बी ए सी ए डी, ये चार ट्रांसफेयर बनता है यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ भी ड्रॉ करोगे किन्हीं का कुछ आ रहा है तो मुझे बता सकते हो, तो सर ये मेरा कुछ और डिफरेंट आ रहा है, और किन्हीं का कम आ रहा है तो देख लोगे कि कौन सा छूट गया था यहाँ पे। तो टोटल ये फोर आएगा इसमें, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाता है इस केस में, फोर। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, फोर। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें यहाँ पे, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट वाला जो आ रहा था ना, तो इसमें ए टाइप का आ रहा है ना तो ए बी टाइप का आ रहा है, ये सब डिफरेंट है। दैट मीन लास्ट वाला जो तुम्हारा रहेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा इस केस का यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा यहाँ पे दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, एक ये जो आ रहा है इसका एक ऑप्टिकल एक्टिव है, दैट मींस एक ये है और एक इसका मिरर इमेज इनान्सोमर पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो। स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर क्या दोगे यहाँ पे? फाइव। सही है बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या आएगा वहां पे, फाइव। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, फोर प्लस टू सिक्स, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अब यही जो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहा था इसी का एक और फॉर्म आ जाता है ऑप्टिकल एक्टिव होने के चलते,
इसी का एक और फॉर्म बनता है, ऐसा नहीं कि दो अलग से बन, ये चार है और दो अलग से कुछ बन रहा है। तो जो लास्ट वाला केस है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का, ऑप्टिकल एक्टिव होने के चलते इसी का एक और केस आ जाता है, दैट मीन्स इसी का दो बनता है तो चार, और इसी का एक नया बन गया, दैट मीन्स एक और, तो टोटल स्क्वायर आइसोमर्स क्या हो गया, फाइव। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स टू, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फोर, और स्क्वायर आइसोमर्स पूछा जाए तो वो फाइव बताना है, क्योंकि इसी का एक और फॉर्म आता है। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या इसमें एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, तुम लोगों को होमवर्क है, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट केस जो आता है इसमें एट में एम ए टू बी टू सी टू, इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स तुम लोगों को बताना है। यहाँ मेनली मोनोडेंटेड का भी जो ये केस था ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स का, इसको कर लोगे तो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, बाकी दो केसेस डायरेक्टली लिख लेंगे वहां पे। इसका जो बच जाता है फिर बायडेंटेड वाला केस बचेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। स्टेबिलिटी निकालने का मैंने बताया था, स्टेबिलिटी वैसे पहले पढ़ते बट हम आइसोमेरिज्म शुरू कर चुके थे, स्टेबिलिटी हम लोग इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद और भी दो टॉपिक है, एक स्टेबिलिटी और एक मेटल कार्बोनिल, ऐसा नहीं कि इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। आइसोमेरिज्म के बाद आइसोमेरिज्म में भी आधे घंटे के आसपास लगेगा, आइसोमेरिज्म में बाइडेंटेड का केस देखना है, और उसके बाद मेटल कार्बोनिल और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक कर लेंगे, मतलब उसके बाद तीन चार पॉइंट रहता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। अगर उसका क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ दोगे, टेस्ट में नहीं आएगा, जितना लोग क्लास में किए हैं उतना ही टेस्ट में आएगा। हिस्ट्री आइसोमर से भी हम लोग यहाँ तक जो केस पढ़ चुके हैं इसका भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो देखोगे यहाँ पे, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना मैंने क्लास में करा इतना ही करके जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बाकी एक बार जब मॉड्यूल और मॉड्यूल भी डिस्कस हो जाएगा, जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तुम्हारा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिर अच्छा जो ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा। दैट मीन्स क्लास नोट से ही बोल सकते हो, जो भी क्लास नोट्स में कराया गया है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन रह सकता है। चलो क्लियर, जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँ तो ये मुझे याद दिला दोगे सर, नेक्स्ट केस हम जो पढ़ना था स्टार्ट करें एम ए टू बी टू सी टू से। बाकी कोई डाउट हो तभी पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होगा वैसे तुम लोगों का। चलो ठीक है, मेरा भी फिर नेक्स्ट लेक्चर है, मैं अभी सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी टेस्ट में जो बाकी जो केमिकल बॉन्डिंग उसका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लॉक केमिस्ट्री का है पी ब्लॉक का, उसका भी ब्लॉक केमिस्ट्री का तीन से चार क्वेश्चन रहेगा, उसका भी देखोगे। और रिएक्शन मेकिंग मैंने सिलेबस में इसलिए दिया हुआ था क्योंकि इसके बाद हम लोगों को फिर ऑर्गेनिक पे आना है, ऑर्गेनिक तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद दो लेक्चर के बाद, रिएक्शन वेक्शन को भी रिवाइज करना है तुम लोगों को। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी।